युवा उद्यमी अपय कुमार ने मुखिया पद के लिए किया नामांकन दाखिल। परिहार प्रखंड क्षेत्र के पीपरा विशनपुर पंचायत से गुरुवार को मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपय कुमार ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रखंड मुख्यालय परिषद में पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। वहां के समर्थकों ने बताया कि अपय पेशे से युवा उद्यमी है और समाज सेवा में निरंतर ही इनका योगदान रहा है। इन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। बतौर मुखिया प्रत्याशी पिछले पंच वर्षीय में 877 वोट लाए थे और तब से जनता के सुख दुख में हमेशा खड़े रहे हैं। इनके बड़े भाई डॉक्टर अभय कुमार दास पेशे से चिकित्सक है और उनका भी सहयोग हमेशा से लोगों को मिलता आया है। मीडिया से बात करते हुए मुखिया पद के प्रत्याशी अपय ने बताया कि उनके पंचायत में भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे अनेकों योजना से पंचायत के लोग वंचित रह जाते हैं। 35 वर्षीय अपय ने कहा कि अगर मैं मुखिया बनकर आया तो सबसे पहले पंचायत स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मूलभूत सुविधाओं को बहाल करूंगा और इस पर काम करूंगा। प्रत्याशी अपय का शिक्षा दिशा पटना के अनुग्रह नारायण कॉलेज में पूरा हुआ है। इन्होंने रेगुलर से MBA की पढ़ाई की है। किस मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हैं? हम लोग भ्रष्टाचार के मुद्दा पे सबसे पहले चुनाव लड़ रहे हैं और उसके बाद पंचायत का विकास करना है। जो 30,000 ही लोग आवास योजना में ले रहे हैं उसको बंद करना है। सड़क नहीं ठीक से बन पा रहा है, नाला का उराही नहीं हो पाता है। हमारे गाँव में 40 से 50 एकड़ जमीन बाढ़ से पूरा पानी भरा हुआ रहता है, उसमें न धान होता है न गेहूं होता है। ये सब बहुत भिन्न भिन्न मुद्दा हमारे गांव में चरम सीमा पर है। 15 साल से हमारा गांव एकदम से बिल्कुल समझिए पंचायत में कोई विकास ही नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ लूट मचा हुआ है। करोड़ों करोड़ रुपया सरकार, बिहार सरकार, भारत सरकार देती है और उसका सही से क्रियान्वयन हमारे गांव में नहीं होता है। सदुपयोग में सिर्फ और सिर्फ नेता लोग 5 साल पब्लिक को ठगने के लिए एक बार अपना खूब प्रचार प्रचार करके पैसा का प्रलोभन देके चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद सिंगल व्यक्ति मुखिया बन जाते हैं और न वार्ड होता है, न कुछ होता है, न सरपंच होता है, न पंच होता है, न कोई कुछ रहता है। सिंगल एक मुखिया रहता है जो अपना पूरे पंचायत को नचा के अपने जेब को भरने का काम करता है। यही हमारे गांव में 15 साल से हो रहा है, इसलिए हम लोग लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। कभी मौका अभी तक नहीं मिला है। इस बार पब्लिक का जोश और उमंग देखिए रहे हैं आप लोग कि इस बार लोग सोचा है कि नहीं, एक बार युवा चेहरा को भी हमको लाना है ताकि हमारा विकास हो सके, भ्रष्टाचार से हम लोग मुक्त हो जाए। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अपय कुमार हुआ, घर पिपरा बेसनपुर, वार्ड 10। आप युवा दिख रहे हैं, कितना उम्र है आपका? मेरा उम्र अभी 35 वर्ष है। मात्र 35 वर्ष? हाँ। और क्या क्या पंचायत वासी आपके आपसे क्या क्या उम्मीद रखते हैं? हम तो पंचायत वासी को पहले ही बता चुके हैं कि हमको आप जिताइए, पूरा भ्रष्टाचार मुक्त हो जाइए, कहीं कोई आपको एक पैसा घुसखोरी देने का काम नहीं होगा, कोई एक पैसा नहीं लगेगा। सारा योजना जो भी सरकारी योजना आपके घर तक पहुंचेगा, मुखिया आपके द्वार तक, हर सप्ताह में हर वार्ड में 2-2 दिन देने का हम काम करेंगे। हर वार्ड में 2-2 दिन जाएंगे, सप्ताह में 6 दिन होता है, 2-2 दिन हर वार्ड में, जिनको सारा कागज पत्र जो भी होगा सब आपके घर तक ही उपलब्ध हो जाएगा। ये नहीं है कि मुखिया जी को खोज रहे हैं, मुखिया जी आपको दिल्ली मिलेंगे, चाहे मुखिया जी अपने घर से ही नहीं निकलते हैं। अब आपको हमको आप जिताइएगा तो आपके द्वार तक, मुखिया आपके द्वार। भैया जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे जी? मैं भी इस पंचायत का युवा ही हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब युवा को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, तभी जो पिछड़े हुआ हमारा पंचायत है वो आगे जाएगा। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त हो, इसके लिए हम लोग श्री अप्पू जी का समर्थन में यहाँ नॉमिनेशन से लेकर के और चुनाव तक पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। सबके मुंह से भ्रष्टाचार ही मुद्दा सुन रहे हैं, और कोई मुद्दा नहीं है क्या? जी नहीं, मेरे पंचायत में करप्शन बहुत ज्यादा है, इसके लिए यूथ को आना ही पड़ेगा आगे। रोड क्या, अभी जो वर्तमान मुखिया है उससे क्या उम्मीद था और क्या वो नहीं कर पाए? ये तो अभी 2 बार चुनाव लड़े हैं, जो फैसले पद पर नहीं गए ना, इनको पूरे जनता मिल करके इस बार मौका दे रहे हैं गरीबों का सेवा करने के लिए। क्या उम्मीद के साथ इनको मदद कर रहे हैं आप लोग? नौजुबक है,
इसलिए भ्रष्टाचारी कहे कि मैं मुक्त करा दूंगा पंचायत को, इसलिए हम लोग इनको देते। पूरे जनता चुन रहे हैं कि 20 हजारी से मुक्त कराने का मैं काम करूंगा। मैं वादा लेता हूं जनता से कि 1 रुपया नहीं घुसखोरी लेंगे। यानी आपके पंचायत में भी भ्रष्टाचार चरम पे है। इसलिए पंचायत करने का काम किया। पिपरा बिशनपुर पंचायत, पिपरा बिशनपुर। अभी मुखिया सा रहेंगे अबू भैया। जिंदाबाद। मुखिया को का बहुत योजना आ रहा है, बहुत सारा पैसा आया है, कहीं उसके लोभ से नहीं तो चुनाव लड़ा है। नहीं, हमारे पास अपने भी कमाने का बहुत बड़ा स्रोत है, जो हमको गरीब का पैसा नहीं लेना है। हमारे लिए तो अपने लिए तो बहुत, हमारे बाबा दादा ही देखे गए हुए हैं और हम लोग भी मेहनत से बहुत कुछ किए हैं, इसलिए हमको गरीबों का पैसा का कोई लोभ लालच नहीं है। हम लोग जो है सो पिछले 10 साल से कम 400 मजदूर को लगातार, मतलब कम से कम 8 महीना तो मजदूरी देने का काम करते ही है, रोजी रोटी हम दे ही रहे हैं, और इसका हम लोग आगे भी विस्तारीकरण करने का बना रहे हैं, ताकि और भी जो 400 को हम लोग 1000 के रूप में सोच रहे हैं कि 1000 लोग हमारे गांव का बाहर न जाए, यहीं रोजी रोजगार करें। इसके लिए हम लोग बहुत सारा योजना लाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए आगे सब क्रियान्वयन। आपके सामने 35 वर्षीय मुखिया प्रत्याशी है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही दरकार भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत हो, एकदम स्वच्छ युवा होना चाहिए, नेता हो, और गली गली में, गांव गांव के मोहल्ले मोहल्ले में जाके काम हो, नाला बने, सड़क की अच्छा तरह साफ सफाई। यही है हम लोगों का नया उम्मीदवार, नया ढंग से जिता करके विकास को आगे बढ़ाना है, और घुसखोरी वाला जो काम हो रहा है वो बंद कर देना है, बंद करना है, और विकास नाला का भाग, नाला का एकदम करना है, हर तरह के विकास का।